एक ना अब ये सरफेस एरिया वॉल्यूम का है अजू सर और सभी हिज कस्टमर्स देखने में लग रहा है कि भाई ज्यादा आएगा इसमें
कई बार आपने देखा भी होगा कई चीज़ें ऐसी होती हैं पैक होकर आती हैं और उसमें हमको लगता है देखने में कि जैसे कंटेनर में ज़्यादा है, ठीक है। खास तौर पर कई रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर गड़बड़ करते हैं हम लोग कि उसका जो बोल साइज़ है वो देखने में ऊपर से तो बड़ा लगता है लेकिन जो उसकी बॉटम है वो थोड़ी सी रेस्ड होती है, तो हमको लगता है कि हमने सब्ज़ी जो ली है वो तो थोड़ी ज़्यादा है लेकिन जब उसको खाने बैठते हैं तो पता लगता है कि तो जल्दी ख़त्म हो गई। और उसका रीज़न यही है कि उसका जो बॉटम है वो थोड़ा रेस्ड अप कर देता है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए वो कह रहे हैं कि अपीयरेंट कैपेसिटी मतलब दिख कितना रहा है, कितना जूस उसके अंदर आएगा और एक्चुअल में कितना जूस उसके अंदर आएगा, वो दोनों चीज़ें हमको बता दें। देखिएगा अजूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर। द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। जो सिलेंड्रिकल ग्लास का जो इनर डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस कितना हो गया 2.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया 2.5 सेंटीमीटर, ये चीज़ होगी। अच्छा, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हैवी स्फेरिकल रेज्ड पोर्शन व्हिच रिड्यूस्ड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो जो बॉटम है उसमें हैवी स्फेरिकल रेज्ड पोर्शन, थोड़ा उभरा हुआ पोर्शन। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, ग्लास की जो हाइट है ग्लास की जो हाइट है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। ग्लास की हाइट 10 सेंटीमीटर है। अब आप ये देखिएगा वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि फाइंड द अपीयरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो अपीयरेंट कैपेसिटी लिखिए,
तो अपेयरेंट हुआ फिर एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास is equal to volume of cylinder minus volume of cylinder minus volume of hemisphere. पाई आर स्क्वायर एच माइनस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि इधर पाई आर स्क्वायर एच है और उधर 2/3 पाई आर क्यूब है. मैं यहाँ पर क्या करूँगा पाई आर स्क्वायर को मान लेता हूँ. ठीक है, अगर मैं पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू पुट करूँगा तो फिर 2/3 पाई आर क्यूब में भी मेरे को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी. तो ज़्यादा बेटर है कि पाई आर स्क्वायर पहले को मान लेता हूँ. उसके बाद आप देखिए अंदर क्या बचेगा, अंदर मेरे पास बचेगा एच माइनस 2/3 इंटू आर. ठीक है, पाई की वैल्यू बाहर डालिए 3.14 इंटू आर का स्क्वायर 3.14 इंटू 2.5 का स्क्वायर. चिंता मत करो, इससे भी कुछ करते हैं तो पहले वाली जो मेहनत करी हुई है वो बेकार नहीं जाने देंगे, उसमें से निकालेंगे कुछ. ये हो गया और एच माइनस एच कितना है हाइट है 10 माइनस 2/3 और रेडियस कितना है 2.5 3.14 इंटू 2.5 का स्क्वायर. और ध्यान से देखना जरा मैं कर क्या रहा हूँ इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से डिवाइड कर दिया. करा जा सकता है किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करो उसी से डिवाइड कर दो. क्यों करा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच यही था 3.14 इंटू 2.5 का स्क्वायर इंटू 10. तो 3.14 इंटू 2.5 का स्क्वायर इंटू 10 ये पूरा जो न्यूमरेटर है इसकी वैल्यू मुझे पता है 196.25 अपॉन में 10 लगा दो बस हो गया काम. नहीं नॉर्मली भी कर सकते, थोड़ा सा कर रहा था. ठीक है, डेसिमल के बाद ये दो जीरो वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं होती, हटाओ उनको.
और ये 10 कार्टून इस लेसन को इधर ले आओ 163.64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, तो ये केस स्टडी में क्वेश्चन आएगा, ये बना देंगे, उसमें क्या करेंगे कि एक जूस का स्टॉल दिखा देंगे, वहाँ पर दिखाएंगे वो जूस निकाल निकाल कर दे रहा है लोगों का। ठीक है, और लास्ट में एक एक चीज़ और लिखी होगी कि व्हाट वैल्यू इज डिफेक्टेड बाय दिस क्वेश्चन, व्हाट वैल्यू ऑफ द शॉपकीपर या जूस सेलर, आप कहेंगे ही इज डिसऑनेस्ट। ठीक है, बेईमानी कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में लोगों को तो ये दिखाई दे रहा है कि 196.25 सेंटीमीटर की उसमें जूस आ रहा है, लेकिन आ रहा है इतना कम कि वो गड़बड़ कर रहा है। ठीक है ना, उसको मालूम है कि रेज्ड बॉटम है इसकी, तो धोखेबाजी वाली बात है। बताइए जी, और कोई डाउट है? हाँ, कोऑर्डिनेट का हो,